चलो ठीक, स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 69 पे से स्टार्ट करना है हमने। ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 69 के अंदर क्या गिवन है, यही था, अ रॉड जिसकी लेंथ एल एंड दिस रॉड रोटेट्स विद अ स्मॉल बट यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हमने क्लास में किया था, जब एक रॉड घूमती है अपने एक्सिस पे तो फॉर्मूला क्या लगता है, हाफ बी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर। पर प्रॉब्लम इसमें क्या है, प्रॉब्लम इसमें यह है कि जो रॉड है अपने एक्सिस पे घूम रही है, एक्सिस पे घूम रही है, तो ये लेंथ कितनी होगी, एल बाय टू। तो जो रेडियस होगा इसमें क्या कंसिडर किया जाएगा, एल बाय टू। तो उसने पूछा पोटेंशियल डिफरेंस बोलो इसमें कितना डेवलप होगा। तो आपने रेडियस को कितना लेना है, एल बाय टू। एल बाई टू रेडियस लेके ई एम एफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला हाफ बी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर होता है, आर की जगह कितना लेना है, एल बाई टू। तो यहाँ से ई एम एफ की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। ये पहला क्वेश्चन है, राइट। दूसरे क्वेश्चन के अंदर अ रॉड जिसकी लेंथ है एल रोटेट्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अगेन फिर से बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट ये रॉड जो है वो रोटेट कर रही है, एल बाई टू एल बाई टू। एंड आपको इसमें क्या निकालना है, बी एग्जिस्ट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द रॉड इज इक्वल टू व्हाट। देखो जो मान लो ये जितना भी पोटेंशियल है और ये जितना भी पोटेंशियल है, यहाँ पे और यहाँ पर बाई सिमेट्री सेम पोटेंशियल डेवलप होगा। तो जितना पोटेंशियल पी पे डेवलप होगा विद रिस्पेक्ट टू ओ, उतना ही पोटेंशियल क्यू पे भी डेवलप होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस पी और क्यू का क्या हो जाएगा, जीरो। एक पॉइंट का अगर पूछा होता, नहीं, जो ऊपर वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी पी माइनस वी होता है, वी पी माइनस वी होता है, वो वी ओ माइनस वी पी नहीं होता, बाहर का बड़ा होता है अंदर का छोटा होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस है वो, एक पॉइंट का पोटेंशियल नहीं है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है कि आपको एक ये सर्किट गिवन है जिसके अंदर एक सिचुएशन के अंदर ये एक बैटरी गिवन है और सामने एक रिंग पड़ी हुई है। वो कह रहा है कि इसके के अंदर इफ स्विच इज क्लोज्ड, मैंने स्विच को क्लोज किया और फिर ओपन किया तो क्या होगा। तो केस नंबर 1 में मैंने क्या बताया, जब आपने स्विच को क्लोज किया तो करंट यहाँ से एकदम बढ़ेगा, बढ़ेगा तो ये नहीं चाहेगा इसका फ्लक्स इंक्रीज हो, तो ऑब्वियसली इसमें कुछ करंट जनरेट होगा। और कैसे जनरेट होगा, ये कैसे आ रहा है नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड लूप के सेंटर पे कैसे जनरेट होगा, आउटवर्ड बाहर की तरफ। अब बाहर की तरफ लूप का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, ये नहीं चाहेगा कि बढ़े, तो ये क्या करेगा, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड अंदर करना चाहेगा इसको डिक्रीज करने के लिए, तो करंट कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज। फिर जब आप इसे वापस ओपन करेंगे तो इसी डायरेक्शन में करंट इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग होगा, तो अब बाहर की तरफ बी इज डिक्रीजिंग, ये नहीं चाहेगा कि इसका बाहर भी डिक्रीज हो, तो ये अपना भी कैसे कर लेगा, बाहर कर लेगा, और करंट कैसे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें पहले क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसमें चेंज होगी। तो आप इसमें ये देखो कि इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा, वो अगर बाहर की तरफ भी बढ़ रहा है तो लूप अंदर कर लेगा भी, और अगर सपोज करो जो इसका भी अगर बाहर की तरफ कम हो रहा है तो लूप भी अपना भी इस तरफ करके एंटी क्लॉकवाइज जनरेट कर लेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक लगेगा इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें गिवन है कि इसी क्वेश्चन को सेम तरीके से प्रूव करो, लेकिन लूप बाहर की बजाय अब कहाँ पर है, इनसाइड है। सेम लॉजिक लग जाएगा इसमें, सेम है, बस फर्क यह है कि इसमें करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, तो लूप में बी कहाँ होगा, इनसाइड होगा। तो पहले करंट जब बढ़ रहा होगा तो इनसाइड बी बढ़ रहा होगा, इसके लूप के अंदर बी बढ़ रहा होगा, ये नहीं चाहेगा तो ये अपना भी बाहर कर लेगा, तो करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज। और जब आप इसे डिक्रीज करोगे तो डिक्रीज करोगे, इसके अंदर का भी कम हो रहा है तो ये भी बी इस तरीके से लगाएगा कि करंट इसमें क्लॉकवाइज आ जाए और इसका भी बढ़ जाए। सेम लॉजिक है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में, अ बार मैग्नेट इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ अ वेरी लॉन्ग वर्टिकल कॉपर ट्यूब। तो ये हमने डिस्कस किया था पहले, फिर से कर देते हैं कि अगर एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, एक बार मैग्नेट को उस ट्यूब में फेंक दिया हमने, अब क्या हुआ, एक अगर सिलेंड्रिकल ट्यूब है और खाली है तो ये ना ट्रीट किया जाता है बहुत नंबर ऑफ रिंग्स से बनी हुई है, रिंग्स से। और अगर आप इसमें एक मैग्नेट फेंकते हो नॉर्थ एंड साउथ,
तो होगा क्या, पहली रिंग में इंड्यूस्ड, क्योंकि जी से गिरेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, बहुत तेजी से आने की कोशिश करेगा और वेलोसिटी बढ़ाता जाएगा, उतना ही ज्यादा इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ रिंग के अंदर डेवलप होते जाएंगे। एक ऐसा टाइम आएगा जब इंड्यूस्ड ईएमएफ इतना डेवलप हो जाएगा, क्योंकि जैसे नॉर्थ आता है तो ये सारी रिंग्स अपने ऊपर वाले एंड पर नॉर्थ 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 डेवलप करती जाएंगी, और एक ऐसा टाइम आएगा जब इतनी स्ट्रांग रिपल्शन मिलेगी कि नेट फोर्स उस मैग्नेट पे जीरो हो जाएगी। लेकिन मैग्नेट लोहे का है तो ऑब्वियसली वो गिरेगा तो है ही, बट अब वो एक्सलरेट नहीं करेगा, वो गिरेगा विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। तो ऐसे केस में याद रखना, सिलेंड्रिकल ट्यूब में जब भी मैग्नेट गिरेगा, कुछ देर के बाद इट विल अटेन अ टर्मिनल वेलोसिटी व्हिच इज नोन एज अ विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी व्हिच इज नोन एज अ टर्मिनल वेलोसिटी, राइट। तो इसका एक स्टैंडर्ड यही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये गिवन है, आपको इस केस में क्या गिवन है कि सपोज करो ये एक फिगर है और ये एक सोलेनोइड है और ये एक बैटरी और एक स्विच है। आपने इसे दबाया, जब आपने इसे दबाया तो उस केस में रिंग कहाँ जाएगी? ये नॉर्मली ये हमने एडी करंट्स में भी किया था, सोलेनोइड के ऊपर अगर आप कैप भी रख दोगे तो वो हमेशा दूर भागती है जब आप करंट इंक्रीज करते हो, और जब आप करंट डिक्रीज करते हो तो वो पास आती है। सेम रूल है इसमें भी, जब आप इसमें करंट बढ़ाओगे तो कुछ नॉर्थ या साउथ डेवलप होगा, इसमें इसका भी फील्ड बढ़ जाएगा क्योंकि सोलेनोइड का बी एक्सिस के अलोंग होता है, तो इसका फ्लक्स बढ़ेगा, ये नहीं चाहेगा, तो ये भी सेम पोल डेवलप कर लेगा जो अगर ये नॉर्थ है तो इस तरफ नॉर्थ, ताकि ये दूर चला जाए, अपने फ्लक्स को डिक्रीज कर ले। तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन में जब आप स्विच ऑन करते हैं तो जो रिंग्स पास पड़ी होती हैं वो हमेशा दूर जाने की ही कोशिश करती हैं, राइट, ताकि अपोजिशन कर सके और इंक्रीजिंग फ्लक्स को अपोज कर सके, तो ये जो है रिंग मूव अवे हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन ईएमएफ कैन बी इंड्यूस्ड बाय मूविंग अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवा के ईएमएफ को जनरेट किया जा सकता है, ओके, क्योंकि हम रॉड को मोशनल ईएमएफ करते हैं, बीएलवी, एंड ईएमएफ कैन बी इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल ठीक, आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो या रॉड को मूव करवाओ, दोनों तरीके से ईएमएफ को जनरेट किया जा सकता है, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है यहाँ तक। तो कैसे भी करोगे ईएमएफ कैन बी जनरेटेड। नेक्स्ट है, कंसिडर द सिचुएशन, ये आपके सामने एक रॉड मूव कर रही है और कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, क्योंकि मैंने बताया था अगर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं होगी तो फिर वो इंटीग्रेशन वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो इफ़ द वायर ए बी इज रिप्लेस बाय अ सेमी सर्कुलर वायर, तो करंट का क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपने तो डिस्प्लेसमेंट लेनी होती है एल, तो अगर आप गोल घुमा के टेढ़ी मेढ़ी वायर भी ले लेंगे दो रेल्स में तो भी आपने लेनी तो डिस्प्लेसमेंट ही है, तो आंसर बी एल वी ही रहेगा, तो आंसर विल रिमेन सेम, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, टू सर्कुलर लूप्स ऑफ इक्वल रेडियाई आर प्लेस्ड कोएक्सियली एट सम सेपरेशन, आमने सामने पड़ी हुई हैं, फर्स्ट इज कट एंड बैटरी इज इंसर्टेड, एक में बैटरी लगा दी हमने, द करंट चेंजेस स्लाइटली बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन रेजिस्टेंस विद द टेम्परेचर। तो इसमें कह रहा है कि करंट ऑब्वियसली बढ़ेगा, लेकिन आपने इसमें रेजिस्टेंस का अफेक्ट लेना है, क्योंकि जब करंट बढ़ेगा तो वायर के अंदर हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वायर की रेजिस्टेंस भी और बढ़ जाएगी, और बढ़ेगी। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड टू लूप्स विल व्हाट, तो देखो सबसे पहली चीज, जब आप इसमें करंट बढ़ाएंगे तो नो डाउट इसमें भी बढ़ेगा, बट कुछ देर के बाद करंट इसका बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगा, अब कम होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर से बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, और जब इसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी कुछ टाइम के बाद तो ऑब्वियसली करंट कम होगा, करंट कम होगा तो बी कम होगा, ये नहीं चाहेगा कि बी कम हो, तो ये दूर जाने की बजाय उल्टा पास आना स्टार्ट हो जाएगा, पहले दूर जाएगा उसके बाद फिर अल्टीमेटली पास ही आएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस बढ़ेगी टेम्परेचर के साथ, और रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट कम हो जाता है, और करंट कम होने से बी कम होता है, और ये नहीं चाहेगा कि बी कम हो, तो ये इसके पास आने की कोशिश करेगा ताकि इसका बी बढ़ जाए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बाद बस, ओके, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 में, स्मॉल कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनोइड कैरिंग अ करंट, प्लेन ऑफ लूप कंटेन्स एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड, और इफ द करंट इन द सोलेनोइड इज वेरिड द करंट इंड्यूस इन द लूप इज इक्वल टू व्हाट। देखो ये आपका एक सोलेनोइड है, ठीक, बी इस तरफ है, सोलेनोइड के अंदर बी इस तरफ है, और वो कह रहा है कि जो प्लेन ऑफ लूप है वो बी के साथ अलाइंड है, ये मेरा हाथ प्लेन ऑफ लूप है, ये ऐसे अलाइंड है बी के साथ, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ है? इस तरफ। बी और एरिया में एंगल क्या हो गया? 90, तो फ्लक्स क्या जनरेट होगा? जीरो।
बी ए कॉस 90 जीरो, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। क्लियर यहां तक कि कैसे सोचना है इसे, बी और एरिया एंगल 90, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर, अ कंडक्टिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड एल एंड रेजिस्टेंस आर मूव इन इट्स प्लेन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ वी परपेंडिकुलर टू वन ऑफ इट्स साइड्स। तो ठीक है, इसको मूव करवा रहे हैं। सो द करंट इंड्यूस्ड इन द लूप इज इक्वल टू व्हाट, देखो ये पूरी तरह मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चल रहा है, पूरी तरह मैग्नेटिक फील्ड में मैंने डिस्कस किया था कि नेट जो करंट होता है वो हमेशा जीरो ही होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, जीरो। लेकिन अगर ये बाहर आ गया फिर उस केस में करंट इसमें इंड्यूस होगा, तो जब ये बाहर आने की कोशिश करेगा तो आधा बाहर आधा अंदर, तो इसका एरिया वेक्टर चेंज, एरिया मतलब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा। तो आप यहाँ फ्लेमिंग का रूल लगाएंगे, बी बोर्ड के अंदर, यहाँ नहीं लगाना, ये बाहर निकल गया, यहाँ लगाएंगे, बी बोर्ड के अंदर है, थंब इधर है, तो करंट कहाँ जनरेट होगा, ऊपर जनरेट होगा, तो करंट कैन बी जनरेटेड इन दिस केस। तो फ्लक्स इसमें ओवरऑल फ्लक्स चेंज नहीं हुआ ना, क्योंकि बी नहीं चेंज हुआ, एरिया वेक्टर चेंज हुआ, ओवरऑल फ्लक्स नहीं चेंज हुआ ना इसमें, ठीक है यहाँ तक। तो ये आपकी असाइनमेंट नंबर 69 है, ठीक।